रुक करते हैं खबर की ओर, जहां जसवंत नगर थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर हाईवे पर सराय भपूत के पास आगरा में रिंग सेरेमनी कार्यक्रम से लौट रहे कार सवार पांच लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल हुए अंकित गुप्ता ने बताया कि वह बीते दिन पूर्व 25 अक्टूबर को आगरा रिश्तेदारी में रिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में गए थे और आज सुबह ही वहां से लौट रहे थे। अभी सराय भूपत के पास हाईवे पर गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा गई और जिसके बाद सामने से आ रहे ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें परिवार के लोग घायल हो गए। जहां डॉक्टर विष्णु मल्होत्रा ने बताया कि हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है और जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है। इसमें तीन लोगों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। इसमें एक व्यक्ति महिला है जो काफी गंभीर अवस्था में है। इनका कुल पांच लोग आए थे और उसमें से तीन लोगों को ज्यादा चोटें हैं, एक गंभीर अवस्था। अब किस तरीके की स्थिति है लोगों? अभी उनका इलाज चल रहा है और उनको एक्सरे के लिए भेजा जा रहा है जाँचों के लिए। उसके बाद संभवतः एक मरीज को रेफर किया जाएगा। गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और सामने ट्रक आ गया। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, एक साल का बच्चा था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।